हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा लियो सिंह राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? स्टार गेजिंग, वेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ फेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। माई डियर लियोस, भोले बाबा यहाँ जो आपको मैसेज दे रहे हैं इस वक्त में, आपको और ज़्यादा अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से, अपने ईष्ट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, या जो भी सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो या चाहते हो कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपकी इंट्यूशन आपको मैसेज तो ज़रूर दे रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कुछ लियोस हैं जो उस मैसेजेस को रिसीव नहीं कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँ ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर ट्रस्ट कर भी रहे हैं तो फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि या तो आप उस पाथ पर चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो कोई डिफ़िकल्ट पाथ लग रहा है आपको, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको आपकी लाइफ में एक चेंज मांग रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो आपको बोला जा रहा है फोकस क्रिएट करने के लिए, और आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, पहली बात तो उसे फ्लो होने दो, ठीक है। जो आपको कह रही है आपकी इंट्यूशन, उसको सुनो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। कहीं ना कहीं वो जो इंट्यूशन आपकी बोल रही है, आप उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। वो आपको एग्जैक्ट आपको आंसर प्रोवाइड करा रही है, और आपके ईष्ट, आपके डिवाइन, आपके खुदा, भोले बाबा, ठीक है, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो माय डियर, वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपको मैसेजेस भी दे रहे हैं। जो आप सुनना चाहते हो, बेसिकली जो मैं, चाहे कोई क्वेश्चन है आपके पास, या फिर जो आपको जानना है, जो क्लैरिटी नहीं है, कहीं डाउट्स हैं, कहीं आपके छोटे डाउट्स हैं, कहीं आपके बहुत बड़े डाउट्स हैं, कि आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो बेसिकली कि लाइफ में ये क्या है, या फिर इस सिचुएशन को एग्जैक्टली पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को लेकर के मुझे अब क्या स्टेप लेना चाहिए, या इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं? आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस दे रही है। तो फोकस क्रिएट कीजिए, आपके लिए स्टार गेजिंग करना नाइट में, अगर आप स्टार्स को गेज करते हो, उनको देखते हो कंटिन्यूसली, वो आपकी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके फोकस को बढ़ाएगी। इनकेस अगर आप स्टार गेजिंग नहीं कर सकते, तो आप त्राटक कीजिए, ठीक है। त्राटक भी नाइट में ही किया जाता है, बेसिकली सभी लाइट्स को ऑफ किया जाता है, एक दिया, वैसे तो लोग कैंडल के थ्रू भी त्राटक करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं कि आप कैंडल गेज ना करके आप दिया लें, ठीक है। दिए में अगर आप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जैसे कि हम सरसों का तेल कहते हैं, ठीक है, या फिर आप घी का दिया जला लें, ठीक है, प्रेफर कीजिए सरसों का तेल डाल लें उसमें,
बत्ती बनाइए, जोत जैसे जगाते हैं हम, तो वो आपको रखनी है बिल्कुल आपकी आईज के जैसे बीच का होता है ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ द योर आईज है ना, दोनों आंखों के बीच का जो सेंटर होता है उस पोजीशन पर आपको वो दिया रखना है। और एटलीस्ट मतलब इतनी दूरी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा दूर होना चाहिए और बिल्कुल आपकी आईज के बिल्कुल सामने और सेंटर में होना चाहिए। और आपको जब तक आप उसे गेज कर पाओ, जब तक आप उसे घूर पाओ, ठीक है, तब तक उसे उस लो को आपको घूरना है, ठीक है। और जब आपको लगे बहुत ज़्यादा नहीं घूरना है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको नहीं इसके बारे में ज़्यादा पता है, नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ तो किसी जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके अंडर आप कीजिए, अदरवाइज पहले कहीं से ट्रेनिंग ले लें या फिर कहीं से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, क्योंकि आइस पर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर आप ओवर गेज कर लेते हो तो, ठीक है। तो जितनी देर बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गेज करने से, ज़्यादा घूरने से कुछ नहीं हो जाएगा, उल्टा आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जितनी देर आप उस लो को घूर सकते हैं घूरिए, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगे कि ये इनफ है, झपकानी नहीं है आइस को, ठीक है, यही इसलिए बोला है कि जितनी देर आप देख सकते हैं, झपकाना नहीं है आइस को, कंटिन्यूसली देखना है। और जब आपको लगे कि इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप आइस को बंद कीजिए। आइस को बंद करेंगे आपकी दोनों आंखों के बीच में वो लो जो है ना भागेगी इधर उधर, तो आपको उस लो को बिल्कुल सेंटर में पकड़ के लाना है। वो बार बार भागेगी, बार बार पकड़ के लाना है, बार बार भागेगी, बार बार पकड़ के लाना है। तो वो बेसिकली आपके कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को बढ़ाएगा, आपकी इंट्यूशन को ग्रो करेगा, ठीक है, जिससे कि आपकी जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और मैं कहूँगी जहाँ जहाँ विंटर सीजन चल रहा है अभी, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, गर्मियों के मौसम में आप नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ी देर भी गर्मी में नहीं बैठ सकते बिना पंखे के, बिना एसी के, बिना कूलर के, ठीक है। और वो लो जो है उसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे करेगी, हिलेगी, तो वो गलत है, उस वक्त आप नहीं कर सकते हो। आपको बिना ना तो कोई पंखा चल रहा है, ना वहाँ पे कोई हवा आ रही है, ना कोई लाइट आ रही है, ऐसी जगह आपको बैठना है। और विंटर सीज़न बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो ये सीज़न, अगर आप इंडिया में हैं या नॉर्थ साइड पर हैं तो आप अभी कर सकते हैं, विंटर सीज़न चल रहा है माय डियर। तो और अगर नहीं है तो स्टार गेजिंग तो है ही है, ठीक है ना। तो स्टार को गेज करना, उन्हें देखना, जितनी देर तक आप देख सकते हैं उसी तरीके से करना, क्योंकि वो भी आपकी इंट्यूशन को, आपके फोकस को बढ़ाता है, आपकी इंट्यूशन को ग्रो करता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए मैं ऑलवेज क्या बोलती हूँ यहाँ पर, बिलीव इन मैजिक। सबसे पहला पहली बात तो यही है कि मैजिक इनके साथ होता है जो उस पर ट्रस्ट करते हैं। भोले बाबा भी आपको यही बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में ना बहुत बहुत चीज़ें हैं, बस अपने आप को ओपन कीजिए। जो चीज़ें आपको लग रही है ना कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, या मैं इस सिचुएशन में स्टक हूँ, या इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन पर ट्रस्ट रखें। आपको नेचर, आपको डिवाइन अपने तरीके से वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वो मैसेजेस भेज रहे हैं, बस अपने आप को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए और ट्रस्ट रखिए। डिवाइन पर तो ट्रस्ट रखना ही है, लेकिन आपकी जो सेंसेस हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, उस पर भी ट्रस्ट रखना है। और ट्रस्ट इनफ नहीं है, ट्रस्ट इनफ नहीं है, उस पर वर्क भी आप ही को करना है ना। फिर वो जिस तरीके के मैसेजेस मिलेंगे, अगर कुछ एक्शन लेने का मैसेज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शंस भी लेने हैं। अब अगर आप नहीं ले पाते तो वहाँ सिर्फ आप ही की गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। वाओ, आपके लिए यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड है, आपको मदद मदद कहें या फिर गाइडेंस कहूँ मैं माय डियर, और वो भी बहुत ही मैजिकल वे में। लियोस, बस अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ा दीजिए डिवाइन पर, अपने इष्ट पर, भोले बाबा पर, यूनिवर्स पर, उसको उन खुदा पर, उस बिलीफ सिस्टम को आपको बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है कि मैं अगर मदद के लिए उन्हें पुकार रहा हूँ या पुकार रही हूँ तो वो मदद मेरे को प्रोवाइड की जाएगी किसी ना किसी तरीके से, और मैं उस मदद के लिए ओपन हूँ, उस इंस्पिरेशन के लिए मैं ओपन हूँ। अभी वो मदद कैसी भी हो सकती है ना, तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। हाँ, एग्जैक्टली राइट। चलिए और देखते हैं।
आपको अपने आप को बिल्कुल भी ना अकेला नहीं फील करना है लियोस। आपकी डिवाइन टीम, आपके भोले बाबा, आपके आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईष्ट आपके साथ हैं माय डियर। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। सी सेवन ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर फोकस की ही बात हो रही है ना। सेवन ऑफ कप्स फोकस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। ओके थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल बैलेंस। ओके राइट थैंक यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। सी मैंने आपको बोला ना कि आपको जो हो सकता है कि आपको उस वक्त वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप वो एक्शन ले नहीं रहे हो क्योंकि आप शायद आप एक कंफर्ट जोन पर हो अपने। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, या फिर आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं लाने देना चाहते, डर रहे हो, कोई ना कोई फियर है, कन्फ्यूजन्स है, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज हो, ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं और यही आपके ब्लॉकेज है माय डियर। जो भी सिचुएशन है, आई रियली डोंट नो कि आपकी लाइफ में सिचुएशन एग्जैक्टली क्या चल रही है, लेकिन उसका जो ब्लॉकेज है ना, या जो भी सॉल्यूशन कहें या ब्लॉकेज कहें, कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो एक जगह पर, या आप एक जगह पर कहने का मतलब आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी फीलिंग्स को, जो डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है बेसिकली, जहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। तो आपको बिलीव मी, ये जो स्टार गेजिंग है और ये जो त्राटक मैंने आपको बोला, ये बहुत आप पे वर्क करेगा क्योंकि आपको ना अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बता रहा है। ओके हाँ या ये देख रहे हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक है, ये जस्ट मैंने वैसे अभी देखा तो ये आपको क्या बता रहा है, फूल का कार्ड देख रहे हैं। फूल क्या कह रहा है, ट्रस्ट रखना, जो आपको डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ट्रस्ट रखिए अपनी इंट्यूशन पर। आपके लिए ना एमेथिस्ट ब्रेसलेट मैं रिकमेंड करूँगी, या तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट या स्टोन आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इंट्यूशन को ग्रो करने में और आपको डिवाइन से कनेक्ट होने में। आपके क्राउन चक्रा के लिए बहुत अच्छा रहता है। ट्रस्ट रखिए माय डियर, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए, वहीं आपकी विजय है, वहीं आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। ट्रस्ट रखिए डिवाइन की गाइडेंस पर, ट्रस्ट रखिए मैसेजेस पर, ट्रस्ट रखिए। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके राइट 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 जजमेंट। सी देखिए अगेन देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये कार्ड है एंड फूल का कार्ड, दोनों एक साथ आए हैं। अपने साथ ट्रुथफुल हो जाओ माय डियर, अपने साथ ट्रुथफुल हो जाओ, आई मीन अपने साथ जो आपके लिए सही है उसको फॉलो करना, और आपकी इंट्यूशन तो वही बताती है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करके मैसेजेस देखिए कि मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये बात बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आप ये कन्फ्यूजन्स को या ये जो भी सिचुएशन है, इसे बैलेंस आप इसी तरीके से कर सकते हो जब आप उसको लेकर के एक्शन लोगे। और जब आप एक्शन लोगे ना, जजमेंट का कार्ड देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, एक रिबर्थ हो रहा है, एक नया जीवन। जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी, जैसी सोची नहीं थी, या जो शायद आपके ख्वाबों में थी, या आपने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आएगा, अभी अभी एक आप डार्क साइड में हो लियोज, अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हो। यहाँ पर खुलने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं इसने अपने हाथों को ऐसे बांध रखा है, लेकिन ये जो ऊपर जो इसकी सेल्फ है, जहाँ ये ट्रू सेल्फ है इसकी, वो खुली है, बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खुशी से झूम रही है, आज़ाद है। तो अपने आप को ना ऐसे माइंडसेट से बाहर निकालिए। यहाँ पर एक्शन आपके लिए रिक्वायर्ड है, और वो भी मैं कहूँगी कि आराम से नहीं कि आपने जस्ट अभी सोचा है, फिर देखेंगे, फिर करेंगे। नो माय डियर, भोले बाबा आपको ये कह रहे हैं कि जब आपको मैसेज मिले ना, उसको लेकर के एक्शन लेना शुरू कर दो तुरंत, क्योंकि ये चीज़ें भी तुरंत में क्या है ना, इनको वक्त लगता है,
ठीक है, प्रैक्टिस को वक्त लगता है, तो बेसिकली ये प्रैक्टिस है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस तो करना है, इसके साथ ही साथ बिलीव इन मैजिक, बिलीव, ट्रस्ट दिखाना कि मुझे यकीन है इन चीज़ों में। अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो फिर ये करना भी बेकार है। ये मेडिटेशन कह लीजिए, स्टार गेजिंग कह लीजिए, त्राटक कह लीजिए, सब बेकार है। ये प्रैक्टिसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। वाह, ये बहुत ही पावरफुल ये वाला मैसेज है। नेचर के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाइए। लियोस, नेचर के साथ कनेक्ट होना, वहाँ भी आपकी इंट्यूशन जो है ग्रो करेगी। नेचर के साथ कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्शन आपका आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। वाह, मदर गाया, यस 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 लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों, इंसाइट्स मिले हों। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।